Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we are going to start a new chapter which is of class 10th and its name is Mirabai. अब जो मैं आपको पहले मीराबाई के बारे में बताऊंगी कि मीराबाई का जन्म कब और कहां हुआ. मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है. 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ. उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता. बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया. बाल्यावस्था मतलब बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया. विवाह के कुछ साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया, मतलब उनके ससुर का भी. भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया. वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई. मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी. उन्होंने अपनी संपत्ति और घर बार सब कुछ श्री कृष्ण जी के लिए त्याग दिया. कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी, कृष्णमय हो गई थी. इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं. वे गिरधर गोपाल के अनयन और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी. प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा ने इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं. मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है, तो अवसर पाने पर उलाना देने से भी नहीं चूकती. उलाना मतलब शिकायत करने से भी नहीं चूकती. उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती. हाँ जी, पहला पद है हरि आप हरियो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर ही धर्यो आप शरीर, बूढ़ोत गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी वीर. अब यहाँ पर जो पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी, हरो मतलब होता है दूर करना और जन होता है भक्त, वीर पीड़ा, बढ़ाया मतलब बढ़ाया और चीर हो गया वस्त्र. भगत कारण रूप नर ही भगवान शिव का, भगवान शिव ने जो भगवान विष्णु ने जो नृसिंह रूप धारण किया था. और आप मतलब आपने, शरीर शरीर, बुढ़तों मतलब बढ़ते हुए या बूढ़े, गजराज हाथी, राख्यो मतलब रखना, कुंजर भी हाथी है और पीर हो गया पीड़ा. अब यहाँ पर जो मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि आप सदा अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं. कौरवों ने भी जब बड़ी सभा में द्रौपदी को निवस्त्र कर अपमानित करना चाहा था तो आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की थी. भक्त प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, भक्त प्रहलाद जो विष्णु का सच्चा भगत था, जब उसको उसके पिता ने मारने का प्रयास किया था तो आपने नृसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की थी. ना तो आप उस समय मनुष्य थे, ना ही आपका पूरा शरीर किसी जानवर का था, मतलब आपने नृसिंह रूप धारण कर लिया था और उस प्रहलाद की रक्षा की थी. जब एक हाथी को जल के भीतर, जल मतलब समुद्र के बीच, जब मगरमच्छ ने मारने का प्रयास किया तो आपने मगरमच्छ को मारकर अपनी शरण में आए हुए हाथी के प्राणों की रक्षा की थी, मतलब उस समय आपने उस हाथी को भी बचाया था. मीराबाई कहती है कि वह तो ऐसे श्री कृष्ण की दासी है जो सदा भक्तों की रक्षा करते हैं. वे उनसे अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करती है, मतलब वो श्री भगवान कृष्ण से यह प्रार्थना करती है कि उसके सभी दुखों को दूर कर लें, सभी दुखों को हर लें. श्री कृष्ण के दर्शनों की वह प्यासी है. श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, दर्शन पाकर ही उसकी पीड़ा दूर हो सकती है. वह चाहती है कि श्री कृष्ण के दर्शन उसको हो जाएँ और उसकी पीड़ा को श्री कृष्ण हर ले. अब दूसरे पद में मीराबाई क्या कहना चाहती है, श्याम महाने चाकर राख्यो जी. यहाँ पर श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, महाने मतलब हमें और चाकर मीन्स नौकर. गिरिधर लाल महाने चाकर राख्यो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु. नित मतलब रोज उठकर दर्शन, नित दर्शन पाना. बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लाला गास्यु, लाला मतलब यहाँ पर हो गया विभिन्न रूप में जो श्री कृष्ण को देखकर उनके दर्शनों के बारे में वो वर्णन करना चाहती है. चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची. अब दर्शन हो गया दर्शन और पास्यू मतलब किसी चीज़ को पाना.
भाव भक्ति जागीरी पास्यो तीनों बाता सरसी, सरसी यहाँ हो गया अच्छी, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले गल वैजंती माला, पीताम्बर होता है पीले रंग के वस्त्र और गल हो गया गले में, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, धेनु होते गाय, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी, सावरिया का सावरिया रा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी। अब यहाँ पर सावरिया उसने श्री कृष्ण को कहा है और कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरे, तीरा यहाँ पर मतलब तट के बारे में बताया गया कि जमुना जी के तट पर वो श्री कृष्ण का इंतजार करती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागरियो हिवड़ो घानो हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब यहाँ पर हिवड़ो हो गया मन में और घनो मतलब बहुत ज़्यादा, अंधीरा मतलब बेचैन। अब यहाँ पर जो मीराबाई कहती है कि वह श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी, हे कृष्ण मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो, मैं आपकी सेवा करते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी, प्रातः उठकर प्रतिदिन उनका ध्यान रखा करूंगी और उसी के साथ साथ आपके दर्शन भी पा लिया करूंगी, मैं तो आपकी सेविका बनकर वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी, आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम सिमरन को मतलब नाम सिमरन को वेतन के रूप में पाऊंगी। मतलब वो ये नहीं चाहती कि अगर वो श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती है तो उसके बदले में श्री कृष्ण उसे कुछ पैसे देंगे, वो तो श्री कृष्ण की चाकरी के बदले में नाम और सिमरन पाना चाहती है, श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है कि हर समय वो श्री कृष्ण को देखती रहे, भक्ति रूपी संपत्ति को वो प्राप्त करेगी, मेरे लिए ये तीनों बातें अच्छी हो जाएंगी, एक तो वो उसकी सेवा करके उनसे दर्शन करेगी, दूसरा नाम से मन करेगी और भक्ति तीनों प्राप्त कर लेगी। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट तथा शरीर पर पीताम्बर सुशोभित करते हैं। अब हम देखते हैं ना श्री कृष्ण के मुकुट पर एक मोर का पंख लगा होता है और श्री कृष्ण जी ने हमेशा पीले वस्त्र धारण किए होते हैं। अब वह उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके गले में वैजंती माला अति सुंदर लगती है, मतलब बहुत ही सुंदर लगती है, श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गायें चराते हैं, मीराबाई कहती है कि वह ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उनमें उनके बीच एक खिड़कियाँ रखवाना चाहती है, क्योंकि वो खिड़कियाँ क्यों रखवाना चाहती है, क्योंकि वो उन खिड़कियों से श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है ताकि उसको श्री कृष्ण के दर्शन हो सकें, वह लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आधी रात के समय यमुना के तट पर उनकी प्रतीक्षा करती है, क्योंकि वो एक विवाहिता स्त्री के समान पूरी तरह से श्रृंगार करके श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए यमुना के तट पर भी खड़ी रहने के लिए तैयार है। अंत में मीरा कहती है कि वह अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उसका हृदय बड़ा व्याकुल है, मतलब उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, श्री कृष्ण के हृदय को वो पाना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन वो पाना चाहती है, उसका जो हृदय है वो श्री कृष्ण के दर्शनों को पाने के लिए तड़प रहा है। थैंक यू।